मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना? और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं, उफ़ो, स्टाइलस तो मैं घर भूल गई। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं, पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्टिक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8000 की सब्सिडी के साथ। ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है। तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर, 8000 की सब्सिडी के साथ। डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए NUPUR@SAKSHAM.org या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर। लिमिटेड डिवाइसेज आर अवेलेबल, जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। डिस्क्लेमर, वैसे हमें ये देने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी एक जिम्मेवार रेडियो के जिम्मेवार आरजे होने के नाते आपको सावधान करना हमारा फर्ज बनता है, सो हम कर देते हैं। यदि हमारा शो सुनकर आपकी डायबिटीज या बीपी क्योर हो जाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहते। और अगर हमारे शो में हंस हंस कर आपका ब्लड ओवरफ्लो हो जाए तो आप अपने नजदीकी ब्लड बैंक में जाके उसे डोनेट कर सकते हो। यदि हमारे जोक आपको समझ आ रहे हो तो ये हमारी खुशकिस्मती है, यदि समझ में नहीं आ रहे तो क्या करते हो यार, मैकेनिक के पास जाओ यार। अगर हमारे शो को लेकर आपके पास कोई भी फीडबैक या सुझाव हो तो प्लीज 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 मेहरबानी करके वो अपने पास ही रखिए, हमें देने या हम तक पहुंचाने की बिल्कुल भी चेष्टा मत कीजिए, हमें आपके सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बहुत समझ आ रहे हैं। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हालचाल? हे सेक्सी लेडी, ओ बेबी, आई एम योर मैन। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष, लेकर आपका अपना शो कॉमेडी का क्रोकोडाइल। तो बने रहिए घंटा मेरे साथ और सुनते रहिए शो को, एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। पंडे यानी संडे के 7 बज गए हैं और शो शुरू हो चुका है कॉमेडी का क्रोकोडाइल। तो अपने पूरे हफ्ते की टेंशन को मिटाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए शो को और एंजॉय करें रेडियो उड़ान को। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन कॉमेडी सीन जिन्हें सुन के आपकी हंसी रुक नहीं पाएगी। तो आज मैं एक डॉक्टर को लेकर आ रहा हूं
जी आज कोई हेल्थ शो नहीं होने वाला, आज भी वही हर बार की तरह कॉमेडी शो ही होगा, पर इस बार आपको हंसाने के लिए आएंगे डॉक्टर, जो डॉक्टरी के अलावा सब कुछ करते हैं, जिनका नाम है एमडी गुलाटी। एमडी की फुल फॉर्म पता है आपको? एमडी की वैसे कुछ भी फुल फॉर्म हो, इन्होंने अपने हिसाब से अलग बना रखी है। इनका कहना है एमडी का मतलब है मशहूर डॉक्टर, मतलब ये अपने आप को ऐसे ही मशहूर कर रखा है इन्होंने। पर जो भी हो, पर इलाज चाहे जैसा भी हो, ये कॉमेडी तो बहुत ही अच्छी करते हैं। तो मिलिए डॉक्टर और इनके हॉस्पिटल से, और हमेशा हंसते रहिए मेरे साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टन 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 20 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए और छुट्टी आज हुई है, बताओ है? निकाले वे बोल, और तुझे तो धक्के देकर निकाला होगा। पता है मुझे क्यों निकाला था? क्यों? क्योंकि मैंने 7 साल की उम्र में ना 15 साल की उम्र वाली गाली दे दी थी। वो गाली मुझे अभी भी याद है, 2 ऑडिशन भी हो गए हैं। सुना दो तुमको, मैं सुना दो। तू लेडीज को गाली देगा? लेडीज पर नहीं, जब तू लेडीज की ड्रेस चेंज करके जेंट्स बनेगी ना, मैं तब गाली दूंगा तेरे को। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी पाए लागू। अच्छा मोदी जी, मैंने सुना है कि आपकी रैली में 7 लाख लोग इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ जी, अगर उनकी चाय का जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे दे दें। हाँ जी, मैंने चाय उनको बहुत अच्छी पिलानी है कि उनका दिल खुश हो जाना है। हाँ जी, थैंक यू मुबारक हो भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब तो लखपति थप्पड़पति बन जाओगे। क्यों? तुम्हारी गंदी चाय पी के 7 लाख लोग तुम्हें थप्पड़ मारेंगे ना एक साथ, तो फिर तो तुम बनोगे। आपके पास 20 रुपए है? नहीं। देखो फोटो पे माला चढ़ाने के पैसे आपके पास है नहीं, जवान लड़कों के साथ पंगा ले रहे हैं आप। जवान लड़के? तो मेरे पास 10 रुपए हैं। हाँ, जवान लड़के के पास 10 रुपए हैं। तो अपनी फोटो की चलो माला मैं चढ़ा दूंगा, समझ आई तुमको? एक ना एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन के मैं मानो तो मैंने इंजेक्शन इधर लगाया नहीं, ऊपर तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग चुड़ैलों के साथ तय हो जाएगी। तो पहले कौन सा मैं नॉर्मल लोगों के बीच में रह रहा हूँ, आप खुद बताइए। ऐसे इंसान होते हैं? ऐसे बाल कौन रखता है? आपको पता है ये हेयर कट कैसे लेते हैं? ऐसे बाल अपने पकड़ते हैं, देखते हैं मुंह तक आगे। चलो जी। मुझसे ज्यादा बहस नहीं करनी, मेरा पता है ना तेरे को? क्या पता है? क्या पता है आपका? 4/200 है, मेरा पता नहीं पता तेरे को? यहाँ पे डॉक्टर साहब, बेड नंबर 3 का पेशेंट हमें छोड़ के चला गया है। हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। उसने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था, बहुत बुरा हुआ। आप इतना हक्का बक्का भौचक का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? हमें छोड़ के ऊपर नहीं गया है वो हमारा हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है, पर अपने साथ पता नहीं कैंची, ग्लूकोज और थर्मोमीटर सब लेकर भाग गया। हे भगवान, वो तो बहुत कुछ देख के चला गया। अब तुम उसको देखना, नानी उसके बारे में कुछ तो बुरा बोल। हे भगवान, उसे 13 जैसा डॉक्टर मिले। अजीब शक्ल वाले आदमी ने भिखारी का कटोरा छीना, भिखारियों की यूनियन ने पकड़ के कुत्ते की तरफ पीटा। अजीब सी शक्ल वाले जानवर की शक्ल किसी डॉक्टर से मिलती पाई गई। उल्टी बात करने वाले पेशेंट की नाक में उंगली घुस चढ़ के डॉक्टर ने उसको जमीन पे पलटा। वाह वाह वाह, क्या खबरें पड़ी जा रही है, गुस्से में किसी की खबर ना खोदूं मैं। मजाक बहुत हो गया, सीरियस बातें करें। नहीं, क्राइम पेट्रोल आने में भी टाइम है, हमारा शो 1 घंटा और चलेगा, बात नहीं करनी। आप लोगों को पता है मैंने सोसाइटी की मीटिंग क्यों बुलाई है? सोसाइटी के कुछ अहम मुद्दे हैं जिसका हमें आज फैसला लेना है। अरे दादी, कैसी बातें कर रही हो, सबसे सीनियर तुम हो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर थोड़ी होगा। भाई सुनिए गाइस, मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे शाहरुख खान का चेकअप करना है। या मीटिंग है मेरी। टिंग टोंग, ये देखो मोदी साहब का मैसेज आ गया है, कहते मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो। हाँ, आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ, मुझे डॉक्टर नेने के साथ मीटिंग है कि माधुरी दीक्षित को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ। अच्छा, मेरी भी सोनी टीवी में मीटिंग है आज। क्या मीटिंग है भाई? अभी थोड़े दिन पहले लोगो चेंज किया था ना सोनी का, अभी कुछ लोग चेंज करने हैं मुझे। अरे
अभी मैसेज आया है, शाहरुख खान इज फीलिंग बेटर। मोंटी जी का मैसेज आया था, मैं मोदी जी का समझ रहा था। और देखिए आप दोनों की वजह से फालतू में मुझे नेने के देने पड़ जाते हैं, मुझे तो कोई काम ही नहीं है। आई एम फ्री। ओह सॉरी नानी, आने में लेट होगी। चलो लेट्स स्टार्ट सोसाइटी मीटिंग। चलो 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 मीटिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तेरे थप्पड़ मारना सोसाइटी के लिए कुछ किया तो। ये सोसाइटी मेरी माँ है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जान भी दे सकता हूँ, बनियान तो आपने मेरी वापस नहीं की अभी तक। यही आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से 2016 खत्म हो रहा है, वरना एक डेढ़ महीने और चल सकता था अभी। बस बहुत हो गया, सोसाइटी की मीटिंग शुरू करने के लिए फटाफट तशरीफ रखो, वरना सबकी तशरीफ पर मैं कुछ ना कुछ रखूंगी। चलो 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 चलो। ये हुई ना बात, जो मेन बात थी। हाँ बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सीनियर लोग खड़े हैं और तुम बैठे हो। और देश के सीनियर खड़े हैं तो देश के जूनियर बैठे हैं ना। ठीक है, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। चलो ओके, जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम। ये शर्मा जी थोड़ा देख के, पूरा देख के। लेट्स बी हम्बल, चलो अपनी अपनी तशरीफ निकाल के बैठ जाओ। ठीक है चलो बैठ जाओ। ओके तशरीफें कहाँ रख लिया आपने? हवा में। ओके मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं ऐसे कैसे मीटिंग शुरू करते हैं? मीटिंग शुरू करने के लिए चेयरमैन होना चाहिए ना। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? चेयरमैन चेयरमैन जिस मैन के पास चेयर होता है वो चेयरमैन होता है। कम ओहो, देखिए ना आज मुझे अपने केमिस्ट्री टीचर की कितनी याद आ गई। क्यों, वो मेरे कप्पू जैसा लगता था? नहीं वो भी जो कुछ कहता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ आप लोग सब लड़ो मत, मैं चेयरमैन बन जाऊंगी। अच्छा कान खोल के सुन लो, इस सोसाइटी में सबसे पुरानी मैं हूँ। अनडाउटेडली। अरे यार पुराने नोट बंद हो गए, तुम क्या खुल रही हो, जाके बैंक में जमा हो। हाथा भाई नहीं, हाथा भाई नहीं। मैं ऐसे गिर गया बिना मारे, ठीक है? यार क्यों आप लोग ऐसे चिल्ला रहे हो, मेरी बात सुनो। आप सब में से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो इस सोसाइटी का जो चेयरमैन है आप मुझे बनाना चाहिए। वेरी गुड, इसी बात पे रिस्पॉन्सिबल के स्पेलिंग हो जाए। शाबाश शाबाश, चल चंदू बोल दे। 10-15 मिनट और सोच लेते हैं। चैनल एक एक मिनट का हिसाब लेता है, मेरे साथ 10-15 मिनट में थप्पड़ मारो। मेरे जल्दी जल्दी स्पेलिंग बताओ क्या है रिस्पॉन्सिबल के। रार आको एक ही मात्रा पॉसिबल। किस तरीके से तूने स्पेलिंग बताया ना, तू चेयरमैन नहीं चल मुर्गा बन जा आगे। आप मुर्गे की स्पेलिंग सुनाओ। TASTY। ये तो टेस्टी हुआ। तो टेस्टी होता है, तूने खाया कभी? वैसे खाता तो मैं भी नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था। हमें मुर्गा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे शाही आलू खा लेते हैं। शाही आलू कौन सा होता है? तेरे आलू के साथ चार सिपाही तलवारें लेके आते हैं शाही आलू। अरे शाही आलू मतलब क्या? शाही पनीर तो मैंने सुना हुआ है। हाँ वो भी इन्होंने सिर्फ सुना ही है, खाया इन्होंने भी कभी नहीं। मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दा ये है कि चंदू टी स्टॉल को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। ऐसे कैसे निकाल दिया जाए? मेरे पास एक आइडिया है। क्या उपाय है? स्पेलिंग पूछ लेने। मेरी चाय के टपरी से के सामने जो आपकी सोसाइटी है इसको हटाया जाए। वाह देखो भाई चंदू, वट एवर इट इज, हम और CM यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से अपनी चाय की दुकान हटा लो। CM? चेयरमैन। और तो पहले PM साहब से तो पूछ लो। प्रधानमंत्री? नहीं नहीं मेरे डैडी प्यारे मोहन। पैसे उन्हीं के लगे हैं ना।
जैसे क्या है चंदू, यहाँ से वहाँ तक ना आने में मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है, तो मेरे इन हाथों के बीच में अपना चेहरा जरा ले आओगे? आई वॉन्ट टू हिट यू डबल साइडेड थप्पड़। देखो हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से तो कप्पू के नाना भटके थे जो ऐसी मुद्दी से शादी की। मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता? कुछ नहीं होता, इससे बुरा तो कुछ नहीं होता। ये जो सबसे उधर खड़ा ना, सबसे बुरा यही होता है। बस 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 बहुत हो गया। मेरा मुद्दा सुन लो, मेरा मुद्दा ये है कि कप्पू की शादी हो और मुझे पोता चाहिए। इससे पूछो फिर। एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? नहीं मिलती मतलब क्या? मुझे देख, तेरे नाना को मैं नहीं मिली थी क्या? नानी हर किसी किस्मत ऐसी थोड़ी ना होती है जैसे तेरे जैसे टू इन वन जीवन साथी मिले। मेरे नाना कहती 6 महीने मैं आपकी पत्नी, 6 महीने आप मेरी पत्नी। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB दिल्ली की डिजिटल लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो हमारे दृष्टिबाधित मित्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, जिन्हें सुनकर वो काफी कुछ सीख सकते हैं और जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इन पुस्तकों में ऐसी ही एक पुस्तक है विचार नियम बाय श्री सरश्री। इंसान का मन विचार निर्माण करने की फैक्ट्री है जिससे बिना रुके विचार प्रकट हो रहे हैं। अनचाहे जमा हो चुके विचारों की वजह से तनाव और दुख का निर्माण होता है। क्या इन विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है? कोई दिशा दी जा सकती है या इन्हें रोका जा सकता है? क्या इन विचारों का निर्माण लाभ देने वाले सकारात्मक रूप से हो सकता है? इस पुस्तक में सरश्री जी विचारों के नियमों को समझाते हैं, विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए तथा दिशाहीन विचारों को कैसे उपयुक्त दिशा देकर उनसे कार्य करवाया जाए। यह पुस्तक निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी करती है। विचार नियम क्या है? क्या ये संभव है? विचार नियम के इस्तेमाल से इंसान के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है? क्या ये संभव है कि दो परस्पर विरोधी विचारों के परिणाम वास्तविक जीवन में देखने को मिलते हैं? हमारे जीवन को विचार नियम कब, क्यों और कैसे प्रभावित करते हैं? मन को पुराने नकारात्मक विचारों से मुक्ति कैसे मिले? ये कैसे पता चले कि कोई घटना दिव्य योजना के अनुसार हो रही है या नहीं? हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कब और कैसे होती है तथा क्या उस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? और विचारों के ध्यान के लिए कौन सी मूल बातें हैं? इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए हमारे दृष्टिबाधित मित्र NAB दिल्ली में आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9212319671 पर संपर्क किया जा सकता है या हमारी वेबसाइट www.sugammyapustakalay.in से पुस्तकें डाउनलोड भी की जा सकती हैं। धन्यवाद। वेलकम। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I am your man। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल मेरे यानी मंजिले मनीष के साथ। कैसा लगा फनी डॉक्टर और उसका फनी हॉस्पिटल, साथ में एक मोटी फनी नर्स भी थी? तो चलिए मजा लेते हैं अगले कॉमेडी सीन का, जिसमें डॉक्टर ट्विटर के बारे में बता रहे हैं। आजकल ट्विटर पे काफी बयान हाईलाइट हो जाते हैं ना, कुछ भी थोड़ा सा लिख दिया वही लोग पकड़ लेते हैं, बस वैसा ही कुछ बता रहे हैं। तो सुनिए इसे और हमेशा हंसते रहिए मेरे साथ, ओनली ऑन रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सर बैठ जाइए, पागल है डॉक्टर ये है, पहले मेहमानों से हाथ मिलाते फिर काट भी देते कभी कभी। इनको इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपने इनको। Hi, I'm Dr. Monsieur Gulati. Dr. Monsieur Gulati, 1 BHK. 1 BHK मतलब? इनके नाम पे शो चल रहा है, 1 BHK मतलब पूछ रहे हैं ये, बताइए। नहीं 1 BHK तो मेरे को पता है,
वही तो पता है तो भाई मैं वो तो बेडरूम मतलब हॉल क्यों पूछते हो? तो डिग्री कौन सी होती है मशहूर गुलाटी वन बी एच के मतलब? डिग्री ही होती है वन मतलब मैं वन और बी एच के मतलब बहुत ही खुश। खुश बिकॉज आई एम मीटिंग मिस्टर अनिल कपूर। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है मैं तो ठेके में जा रहा था बट मेरे को पता चला भी आप आए तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। तो आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब आप बहुत फालतू बातें कर रहे हैं। मैंने ना आपकी गर्दन का एस्टर्न को मारा ना मैंने। आपको किसने बताया आप यहाँ पे आए हुए मेहमान डिस्टर्ब करने आ गए आप? मुझे वाओ या मुझे ना इधर आइए बैठिए इधर आइए। थैंक यू सो मच। आराम से बैठिए। मेरे यहाँ दर्द होता था फिर मैं आराम से कैसे बैठूंगा। एक्सप्लेनिंग कि मैं मेरे को पता कैसे चला भी आप आए। मुझे ट्विटर से पता चला। आजकल सब कुछ ट्विटर से पता चल जाता है। या क्योंकि मेरे नियर एंड डियर फ्रेंड आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। अनिल जी मैं काफी ट्वीट करता हूँ बट कभी कभी ये उसका असर नहीं होता। ये एक ट्वीट करते हैं वो काफी हो जाता है आप देखिए उस हिसाब से। डॉक्टर डॉक्टर मुझे सिद्धू साहब दुनिया कहते बट अंदर से मैं एक मिर्जा हूँ। मिर्जा आप कहाँ से हो गए? आपके ऊपर कर्जा है मिर्जा तो। मिर्जा आपको पता कितना बड़ा योद्धा था? तो मैं भी तो योद्धा ही हूँ बस थोड़ा सा फर्क है हम दोनों में। मिर्जा की जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने अपने भाइयों की वजह से तीर तोड़ दिया था। मेरे साथ ये नहीं हुआ। मेरी गर्लफ्रेंड ने सीधा चप्पल मारी थी एंड कैसा फर्क था। और चप्पल भी मतलब की हील थी पॉइंटेड हील वो मेरे को थोड़ा सा आंख में लगी। बाकी तो आई एम मोर रोमांटिक देन मिर्जा इफ यू आस्क मी। मोर रोमांटिक ऐसे क्योंकि मुझे ना प्यार पहले हो जाता है लड़की मैं बाद में ढूंढ लेता हूँ। ट्रेलर में देखा है कि आप घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा घोड़ा चलाया आपने। आपका नाम तो हर्षवर्धन नहीं बल्कि हर्षवर्धन होना चाहिए। वर्ड प्ले मैं वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करता हूँ बट मैं किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि ना उसमें फिर नजर लग जाती है। आप सोचेंगे भी अभी तक डॉक्टर साहब को क्यों नहीं नजर लगी? क्योंकि मैं अपनी मम्मी से काला टीका लगवा के निकलता हूँ हमेशा। काला टीका कहाँ लगा? तो है नहीं कहीं लगा हुआ। ये देखो यहाँ लगा नहीं हुआ? नहीं कहाँ? अरे लगा होगा। नहीं लगा। अरे यहाँ लगा होगा। आजकल बाल और बच्चे कंट्रोल में नहीं होते तो। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं जो ड्यूटी बनते हैं। सर मैं आपका बीपी टेस्ट करना चाहूंगा बिकॉज एज ए फादर आप लॉन्च हो रहे हैं। एज ए फादर लॉन्च हो रहे? ऐसा कौन बीपी चेक करता है? मैं चेक करता है क्यों? लो आ रहा ready for the treatment? Let's start the treatment. Your BP is fine. Mr. Anil Kapoor, all the best. All the best. Oh, what a beautiful day.
Hi, Soha. Hi. This is Dr. Monsieur Gulati. Nice to Ram se kya ho gaya? Ram se baithiye, idhar baithiye na aap. Thoda sa zyada de dete to main upar girta, thappad padta mere ko. Are baithiye Ram se. Koi chance nahi chhed de Ram se baithiye. Hi, Neha. Hi. Dr. Monsieur Gulati, BHLMG. BHLMG matlab? Bachna hai sino lo mein aa gaya. Sorry. Baithiye. मैं आपके लिए सजा रहा था डॉक्टर साहब बैठिए ऐसे कौन सा जाता है भाई मैं सजाता हूँ ऐसे आइए हाँ जी क्या कह रहे थे आप बैठिए BHLMG मतलब क्या होता है बचना है सीनो लो में आ गया एक मिनट डॉक्टर साहब है कुछ जी हाँ जुए हैं आप तीन चार हेलो बोलो उनको अपना डॉक्टर साहब आप इतना वैसे कितना रेंट लेते हैं उनसे मैंने फिर सोशल सर्विस थोड़ा सा लव पीती है मेरा मैं भी तो कितना पीता हूँ लोगों का एक बात बताइए आप आके नेहा के साथ सोहा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं आपको शर्म नहीं आती इनकी उम्र की आपकी बेटी है इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं है कि वो इनकी उम्र की है मुझे इस बात की शर्म है कि वो इनके जैसी ब्यूटीफुल नहीं है तो आपकी बेटी कहाँ से होगी खूबसूरत बाप का मुंह वॉश बेसिन जैसा है बेटी भी तो लेट मी टॉक टू माई गर्लफ्रेंड्स आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई है नहीं है तो हो जाएंगे आदमी की जेब में पैसा होना तो पैसा बहुत कुछ करा देता है पर एक बात सुनिए आपका मेन्यू जो है डिनर मेन्यू हाँ जी वो तो लंगर वाले डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा तो आपके पास पैसे मतलब कहाँ से आ गए उनके पास पैसे हैं मेरे पास कब है मैंने कब कहा मेरे पास पैसे हैं यार तो फिर मेरे पास तो एक बम्पर ऑफर है ये ऑफर सुनते आप एकदम हतप्रभ न रह जाना हतप्रभ मतलब शॉक मतलब मेरे को भी नहीं पता मैं बोल बैठा यार आपको दोनों को मैं एज ए डॉक्टर अपने नर्स की जॉब ऑफर करता हूँ नो नीड टू से थैंक यू मैन मुझे मालूम है आजकल जॉब की बहुत कमी है लोग मारे मारे फिरते हैं बट मैं सोशल सर्विस एज आई सेड मैन नहीं पहली बार आपने नो थैंक यू नो भाई मान लो आप कपिल शर्मा मैंने आप दे दिया तो दे दिया मेरे को गले लगाने की जरूरत नहीं है कोई ऐसा कुछ काम नहीं करता एक मिनट आपको पता है आप जितना महीने भर में कमाते ना हाँ जी उतने का एक टाइम में नाश्ता कर जाती हैं वो इतना क्यों खाती है यार इतना क्यों नहीं खाती महंगा खाती है बदतमीज और आपके हॉस्पिटल में है तो सही तीन के बराबर एक नर्स और यू आर टॉकिंग अबाउट बम्पर यस मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया इसीलिए तो बम्पर ऑफर दे रहा हूँ I just fired her. Oh my God. She's not looking happy. हाँ चाप मेरे हाथों से नहीं बचेंगी बंपर तुझे क्या हुआ तेरे बाल पंखे में आ गए इनसे पूछिए ना इनसे पूछिए डॉक्टर साहब अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना था तो मुझसे कह देते कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ इस तरह आग लगाने की क्या जरूरत थी इंग्लिश की प्रॉब्लम है आई हैड टू फायर यू ना तो आई फायर्ड यू तो इसलिए आग लगाई मैंने एंड प्लीज यहाँ से गो आई एम टॉकिंग टू माई नर्सेज मैं अपनी नर्सेज से बात कर रहा हूँ ओह हाय 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 सोहा अली खान पटौदी खेमू ये बातें कल करनी पड़ेंगी मैं तो नाम लेते लेते ही थक गई और आप है डार्लिंग हाँ बम्पर माय नेम इज बम्पर डार्लिंग मैं चाहती हूँ लोग मुझे बुलाएं लेकिन बुलाते नहीं है इनके टाइप के लोग अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए एक बार ना एक जाहिल इंसान से मुझे जरा हिसाब किताब चुकता करना है फिर हम बातें करते हैं ओके जरूर जरूर तो डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला जब मैंने तुम्हें नौकरी में डाला था तब तो तुमने पूछा नहीं भी क्यों डाला मैंने निकाला तो पूछ लिया क्यों निकाला हैं एंड प्लीज अब मुझे मेरे दोनों नर्सेज मिल गई हैं लेट मी टॉक टू देम मिल गई है अच्छा आपको मेरे से मिल गई हैं यस नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB दिल्ली की डिजिटल लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध हैं जो हमारे दृष्टिबाधित मित्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं जिन्हें सुनकर वे काफी कुछ सीख सकते हैं और जीवन में प्रगति कर सकते हैं इन पुस्तकों में ऐसी ही एक पुस्तक है अरिहंत प्रकाशन की IAS मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 4 नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिरुचि
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में वर्ष 2013 से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। नए पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य अध्ययन को चार भागों में विभाजित किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा की पुस्तकों के अग्रणी प्रकाशक अरिहंत पब्लिकेशन सामान्य अध्ययन के सभी भागों की स्वतंत्र सार गर्भित एवं अद्भुत सामग्री के साथ उपलब्ध है। प्रतिभागियों की आवश्यकता और मांग को ध्यान में रखते हुए एक ओर विषय वस्तु का विस्तृत एवं गहन संकलन किया गया है तो दूसरी ओर अवधारणात्मक स्पष्टता का भी ध्यान रखा गया है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का यह प्रश्न पत्र भावनात्मक समझ, मानवीय अभिरुचि, शासन में ईमानदारी तथा मूलभूत मूल्यों को धारित करता है। अनुप्रयोग आधारित प्रकृति की समझ हेतु यह पुस्तक बेहतर उद्देश्य के साथ कार्य करती है। नैतिक पक्षों के बेहतर समझ के बिना एक सिविल सेवक को सेवा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यह पुस्तक उन समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। पुस्तक के वैशिष्ट्य: नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा से संबंधित मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण, भारत एवं विश्व के विभिन्न दार्शनिकों के माध्यम से नैतिक दर्शन का समावेश, UPSC पाठ्यक्रम के साम्य विशिष्ट परीक्षा उन्मुख संरचना, नवीनतम उदाहरणों के साथ सैद्धांतिक मुद्दों का विश्लेषण और UPSC पैटर्न प्रतिरूप पर खंडवार अभ्यास प्रश्न और आदर्श पेपर। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए हमारे दृष्टिबाधित मित्र NAB दिल्ली में आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9212319671 पर संपर्क किया जा सकता है या हमारी वेबसाइट www.sugamyapustakale.in से पुस्तकें डाउनलोड भी की जा सकती हैं। धन्यवाद। वेलकम। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। वह क्या कमाल के डॉक्टर है, वह क्या कमाल के डॉक्टर है, और इनका ट्रीटमेंट तो, मेरा मतलब है कॉमेडी तो बहुत ही कमाल किया है। अभी इन्होंने कराया एक पेशेंट का इलाज, वो भी पेट का ऑपरेशन, और गुम गया इनका फोन, पर इनको फोन पे किसी ने बजा दी है घंटी। इनको घंटी तो सुनाई दे रही है लेकिन फोन नहीं मिल रहा, तो देखिए वो फोन कहाँ मिलता है। तो एंजॉय कीजिए अगले कॉमेडी सीन को और हमेशा हंसते रहिए मेरे साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्लीज कंग्रेचुलेट मी। आज मैंने 25 महीने बाद एक पेशेंट का पेट सक्सेसफुली बंद कर दिया है। ओह माय गॉड डॉक्टर साहब, आपको प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? हाँ जी। अब आप सक्सेसफुल हो गए, आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर आएंगे। आपके पास एक ही बेड है, बेड नंबर 3, तो आपको जमीन पे सोना पड़ेगा। लो भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। अभी तुम्हारी सोच तो बहुत आगे है। सोचने के लिए दिमाग थोड़ी चाहिए होता है, दिमाग तो नंबर डायल करने में लगता है। नंबर डायल करने में तो अंगूठा लगता है। अंगूठा तो बैंक में लगता है। बैंक में तो ATM लगता है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगता है। मुंह तो गर्दन के साथ लगता है। चल डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ क्या लगता है आप बाद में डिसाइड कीजिए, मैं जा रहा हूँ। बस मुझे बता दीजिए कि टांके कटवाने कब आना है। टांका कटता ही नहीं, टांका तो भिड़ता है। फोन आ गया, फोन आ गया। हेलो, ये फोन तो मेरे की घंटी है ना, मेरा फोन किधर गया, मिल नहीं रहा। ओ, रिंगटोन वाला पेशेंट। एक मिनट, बंद हो गया, बंद हो। एक मिनट फोन लगाओ, दोबारा लगा। डॉक्टर, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। एक मिनट यार, पकड़ो ये, मुंह में डालो हेडफोन। हेलो यार, मुंह में। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है बहुत ज्यादा। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी माँ। तेरे को मैं बोलता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चप्पू। ए चप्पू, मैं तो
तुम्हें पहचान ही नहीं सका। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बड़े दिन हो गए हमारे घर पे नहीं आए यार, कभी आओ। मैंने नहीं आना, पिछली बार मैं आया था मेरे को एक्स्ट्रा किडनी लगा दी थी आपने, अब मैं पानी भी नहीं पीता, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, मेरे को नहीं आना, आई हेट यू। अरे उन दोनों में किडनी लगाना सीख रहा था इसलिए मैंने लगा दिया। डॉक्टर बकवास बंद कर, पहले अपना मोबाइल मेरे पेट से निकाल। अरे तुम अपना मोबाइल मेरे पेट में कैसे भूल सकते हो? एक बात कहूँ, ऐसे लोगों के ऑपरेशन ही ना किया करो जो इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं। मैं कौन ही? डर जा डर जा यार, तूने पहली बार एक्टिंग की तेरी बजा दी यार उसने। इसने चार एपिसोड की कट ही एक्टिंग कर दी, प्रॉब्लम ये है। अरे भाई मैं तुम्हारे पेट में मोबाइल भूला नहीं हूँ, वो तो मैंने अपने हाथों से छोड़ा है। पर पेट में मोबाइल रखकर कौन ऑपरेशन करता है? मैं ऑपरेशन करता है भाई, और कौन करता है? सारी गलती आपकी है। कैसे? आपको लैपटॉप से देख के ऑपरेशन करना चाहिए था, लैपटॉप पेट में रह भी जाता, आपकी कॉल तो मिस नहीं होती। आई मस्ट से क्या चपो मैं खुद ही घूम गया। अरे थूक लगाया वो बट चपू, तुम्हें सब माफ है क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बात की है। सोचो तुम और हम अगर मिल जाए तो मेडिकल साइंस कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। हॉस्पिटल आपका 2 मंजिला, उसके ऊपर क्या बनाओगे फिर आप? डॉक्टर साहब पहले आप अपना मोबाइल मेरे पेट से निकालो, मुझे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा बैटरी लो होगी और कुछ नहीं होगा। एक काम करो, आप अपने कितना गलत किया, एक और ऑपरेशन करो, इसके पेट में चार्जर भी डालो। चार्ज कहाँ से करेगा आपके, फिर सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे। नहीं नहीं मैं फिर से इनसे ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। अच्छा तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझे 50 रुपए दो, मैं तुम्हें छुरा मारूंगा, सारा मोबाइल बाहर आ जाएगा। छुरा मार के मैं तुम मर जाऊंगा? मर जाओगे, फिर मैं 50 नहीं लूंगा, मर्डर का मैं 20,000 लेता हूँ। एक और आइडिया मेरे पास, मैं चाकू नहीं मारूंगा, चाकू ऐसे लगाऊंगा तुम आके पेट मार देना, फिर भी मोबाइल बाहर आ जाएगा, 10 रुपए लूंगा। करवा लो 50 रुपए, मैच इट्स अ गुड डील, इट्स अ गुड आइडिया। एक और आइडिया मेरे पास, भगवान के लिए तुम कोई आइडिया मत दो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं खुद जाकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर ये मोबाइल निकालूंगा। आया बड़ा डॉक्टर, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? अरे मेरा मोबाइल ले गया, मेरा मोबाइल ले गया। चपो मेरे को कोई एक मोबाइल दे दो प्लीज, इसमें तो कितने तक का चाहिए? यही कोई फ्री तक का। अच्छा फ्री, ये भाई फ्री तक का मोबाइल, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरे को एक चॉकलेट गिफ्ट हुई थी वो ले लो। पर चॉकलेट से कॉल कैसे लगेगी भाई? कॉल तो नहीं लगती उससे, मैसेजेस? मैसेजेस भी नहीं। अच्छा पर किसी के पेट में छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम सीधा सीधा मुझे मना क्यों नहीं कर देते? तो फिर सीधा सीधा सुन लो, मना मना की आ की मतलब मना, मना बड़ी माँ की यात्रा। तुमने मुझे सीधा सीधा मना किया, टेढ़ा टेढ़ा करूं मना। मैंने तुम्हारे मुंह पे थूक फेंक देनी है। कैसे ऐसे? तुमने भरी सभा में मेरे मुंह पे थूक फेंका है। हाँ मैं मशहूर गुलाटी बल छोटे लाल गुलाटी, भरी सभा में आज शपथ लेता हूँ कि मैं इसका बदला लेगा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करा देगा। क्या तुम मेरी दुकान बंद करा देगा? तू संडे देवदास। You are under arrest, Devdas. नहीं, पुलिस पहुंच चुकी है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे देव बाबू को मुझसे अलग नहीं कर सकते। नहीं मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, दोनों के बाल पकड़ के मैं पुलिस थाने घसीटते हुए लेके जाऊंगा एक साथ। एक मिनट यार, ये देवदास में पुलिस कहाँ से आ गई? देवदास ने कुछ गलत किया होगा तभी आई है, वैसे क्यों आएगी? देखो पुलिस को कोई नहीं रोक सकता आने से, कल मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था उसमें भी पुलिस आई थी। यार पुलिस तो ठीक है, ये मुझे लग रहा लदेन आया हुआ है। अरे पर ये देवदास में पुलिस कैसे आ गई? मुझे लगता है कोई वायर इधर उधर हो गई, मैं अंदर जाके ठीक करता हूँ टीवी में, ठीक है? कैसे आ गई, कैसे आ गई? चल के आई है पुलिस मेरे सामने आई। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा कुछ ले देके इधर उधर हो जाओ, मेरे कस्टमर खड़े। अगर तुम शुरू में ही उस भोले वाले डॉक्टर की बात मान लेते, उसे मोबाइल दे देते तो अब तुम्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। चपो
हाँ मैं ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ओ हीरो, ओ हेलो, तू क्यों इतना घबराया हुआ? तू तो हीरो है यार। मेरी बात सुनो, सारे टीवी से बाहर जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, इधर आके समझा, थप्पड़ जा, बाप जाएगा। बाहर आ गया, तेरे पे मेरी शक्ल लगती हीरो जैसी। चप्पू ने पैसे दिए मेरे को ये सब करने के लिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि देवदास दीवार का डायलॉग कैसे बोल रहा है। हमें नहीं चाहिए आपसे मोबाइल फोन। अच्छा, ये बात से तुम्हें पता चला है कि ये सब गलत था? पहले आते तुम्हें पता नहीं चला? देखा चप्पू, मैंने बर्बाद कर दिया तुम्हारा मोबाइल का बिजनेस एम्पायर एक डॉक्टर ने। समझा कुछ? मतलब अब ये एक्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे हमें? एक्टिंग बेगम? हाँ, एक्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे फिर? ओ, इसका मतलब नुकसान तुम लोगों का ज्यादा हुआ है। उस हिसाब से तुम देख लो कैसे करना है, कैसे पीटना है। मैंने तो खुद 300 रुपया किराया दिया भी वर्दी का, मेरे ऊपर उठाने का मतलब नहीं नुकसान मेरा भी बहुत हो रहा है। बेगम पैसे तो लेने हैं हमने, और मुझे ये फोन भी नकली लग रहे हैं। मेरे पास अगर कोई आया ना तो मैंने यार तूने कहा था 3 मिनट तक आग चलेगी, ये तो थोड़ी देर में बंद होगी। ऐसे थोड़ी होता। नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट माई मनी बैक। इससे अच्छा तो मैं अनार लगा लेता यार। कौन सी मनी? वही मनी जो मैंने तेरे को अभी तक दी नहीं। दे मेरे। ओके ओके, आई शट अप। सॉरी सॉरी। Oh, esteemed people are here from Rokan too. Hi, Fran. This Hello, is Dr. Sir. Monsieur Gulati. Yes, sir. मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? डॉक्टर बैठिए, डॉक्टर साहब बैठिए, इधर बैठिए, आराम से बात करें आप। ऐसे कैसे आराम पड़ेगा मेरे को? हैं? I am Dr. Monsieur Gulati. RWBG. RWBG मतलब? दिख भी रहा है फिर भी पूछ रहे हो? रॉक स्टार विद बर्निंग गिटार। आप क्या है, लगातार बातें ही बातें, बातें ही बातें किए जा रहे हैं। हम कब से वेट कर रहे हैं आपका, पता है आपको? मत कर तू मेरा वेट, तू अपना वेट चेक कर। देख श्रद्धा की तरफ मत देख, मैं देखता हूँ। हाय श्रद्धा, आपको पता है मैं आने में क्यों लेट हो गया? हमारा ना राजस्थान में शो था, वहाँ पे मैं नोट गिन रहा था, उसको गिनने में थोड़ा सा लेट। शो की पेमेंट गिन रहे थे आप? यस यस। 12 रुपए गिनने में कौन सा टाइम लगता है आपको? इससे ज्यादा कभी टिकट बिकी आपकी? टिकट पे हमारा शो था ही नहीं यार, हमने तो ना राजस्थान में रखा हुआ था, बहुत गर्मी थी वहाँ पे शो में। ओ, तो पानी की बोतल 800-800 में बिक रही थी वहाँ, और वो खाली बोतल तो 2000 में बिक रही थी, आपको पता नहीं, क्योंकि आसपास कोई टॉयलेट नहीं थी ना। मिस्टर गुलाटी, ये तो आप दिए को रोशनी दिखाने वाली बात कर रहे हैं, मतलब पार्टी क्या करनी? लेट्स शो देम। तो दिवाली खत्म हो गई, आपने दिया ऊपर क्यों रखा हुआ? इट्स नॉट दिया, इट्स लॉलीपॉप। वैसे बाय द वे, लॉलीपॉप किसने लगाया है? इट वाज अ गिफ्ट। या या, यू कैन हैव इट एंड यू कैन टेस्ट इट लाइक दिस। बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी है, मैंने टेस्ट करके रखी है ऊपर। मिस्टर फरहान अख्तर, as a doctor I would request to please come here, please. Now you see your position, yeah? Now please, now be a doctor. I'm a specialist, yeah. Iske do mote mote pet hain, please. I'm a specialist, yeah. Hamara illicit program kar dijiye, la dandiya banne logo ne mere haath mein maar diya. Main aapke saath. आप मेरे साथ? आप परफॉर्म करेंगे? मैंने कहा था ना करेंगे। मित्र ज्योति, दृष्टि बाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है, मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडियो के बिना मेरे लिए
हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है, मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। तो कैसा लगा आज का शो आपको फनी डॉक्टर से मिलकर? मजा आया ना? हमेशा इसी तरह हंसने के लिए आप सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल। अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है, पर जाते जाते मैं छोड़ जाता हूँ इनके कुछ और कॉमेडी सीन के साथ। इसे सुनिए और हमेशा हंसते रहिए मेरे साथ, ओनली ऑन रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इशारा उधर कर रहे, बैठा मुझे इधर इधर बैठिए कर रहे ना। अरे बैठिए 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 डॉक्टर साहब। गुलाटी साहब, मेरे को कभी कभी ना रणवीर जी समझ नहीं आता, आदमी इज्जत देता कि मेरी बेइज्जती करता। नहीं, मैं आई एम अनेबल टू फिगर आउट, यू आर ऑफरिंग ए स्वीट बट नॉट इन द राइट वे। आइए बैठिए आप। You're just one foot behind. Doctor, ऐसे ठीक तो कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बैठो तो नहीं आराम से। आइए बैठिए। ऐसे कौन ठीक करता है भाई? मैं ठीक करता भाई। Ranveer, let me tell you, I'm not only a doctor, I'm an institution. Oh. हाँ, और चूहे तो मुंह से पकड़ लेते हैं। आओ तुम्हें मैं अभी पकड़ लेता हूँ, आ जाओ। चूहा पकड़ दो, मैंने बाल कुतर दिए इनके सारे। Yeah, he always peeps into the hall of my home. इन्हें कोई और काम तो है नहीं, मेरे घर में नजर रखनी है कि कौन कुतर रहा है कौन बुतर रहा है। अच्छा, मुतर से याद आया, कल आप यहाँ मुतर रहे थे। इतनी मेरे को हंसी आई ना पहाड़। क्या है? क्या? It's a busy day, you know. I have to attend some people. मेरे बहुत सारे एक क्लाइंट हैं, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। क्लाइंट, it's a busy day, you see. क्लाइंट, जल्दी आ, जल्दी, टाइम कम है। यहाँ आ जा, यहाँ रखिए, यहाँ, हाँ, भाग जाए यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो एक पहले फेसबुक लाइव अपडेट कर देता हूँ, क्यों? ओ, क्या बात है? ना, मैं सोशल मीडिया फ्रेंडली पर्सन। हेलो, हाय फोल्क्स, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर मिस्टर ग्लैडी, आई एम एन नेयर Eiffel Tower and yeah, Eiffel Tower nahi aa raha. Okay, yeah, I am Eiffel Tower having a good time. Are you having a fun? Okay, yo. Chill. Yeah. Ranveer Paris mein shooting karke aaya abhi. Haan ji. Tab to Eiffel Tower bahut bada tha. Ye chota kaise ho gaya? Global warming ki wajah se ho gaya thoda sa. Warna to theek hi tha. Hey!
रुका दुश्मन तो मुझे क्या मारेगा, तुम अपने राजा को मारने में लगे हुए हो यार। देखो ये तलवार है, तलवार को तलवार पे मारते हैं, काठी पे नहीं मारते किसी के, समझ आए। मैं राजकुमार कप्पू को सारी युद्ध की रणनीति समझाता हूँ, तुम जाओ और किला बंदी शुरू करो, जाओ अंदर, यलगार हो, चिड़िया हो, बाजीगर हो, कुछ कुछ होता हो। ये जो तुमने बात की है ना, इसी पे एक छोटा सा युद्ध बनता है हमारा अभी के अभी, समझ आए, चलो अंदर। Ladies and gentlemen, patients and impatients, the Kapil Sharma show. एक मिनट, मैं राजकुमार कप्पू को फोन लगाता हूँ। नहीं, बाकी टाकी कर लेते। हेलो राजकुमार कप्पू, मेरी आवाज सुन रहे हो? राजकुमार कप्पू, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुको, मैं फोन लगाता हूँ। हेलो, मैंने मिस कॉल दिया, कॉल बैक कर रहा हूँ। हेलो, एक मिनट, हेलो, किधर से बोल रहे हो यार, बताओ कौन से फोन से बोल रहे हो? मैंने कॉल लगाया क्या, तुमने लगाया? मेरा फोन तो नहीं लगा हुआ ना, तुमने किया ना। हेलो 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 डॉक्टर साहब, हाँ हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, अभी लात भी आएगी। आप क्या कर रही है? Hey, Prince Kapoor, how are you? मेरे कॉल को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे तुम? कौन से कॉल का रिस्पॉन्ड करूं, कहां पे किया आपने मेरे को फोन? अरे मैंने तुमको किया ना, तो ये वॉकी तो आप ही के पास है ना, टुलटरू मेरे को थोड़ी ना दिया आपने, क्या खाली हाथ से फोन उठालूं आपका? खैर तुम ये बताओ, युद्ध के लिए तैयार हो? बहुत तैयारियां मैंने कर ली है, पागल सुअर पकड़ने वाली गाड़ी बुलाई है, छुप सकते हो तो छुप जाओ। और ये क्या पहन के घूम रहे हैं आप, ये किस किस स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं आप? स्कर्ट नहीं है, ये युद्ध की ड्रेस है। मैंने सुना है कि हमारे मोहल्ले में कोई बादशाह अटैक करने वाला है, लेकिन आज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसकी विजय यात्रा को यहीं रोक दूं। एक बात बताओ डॉक्टर साहब। हाँ जी। अपने मरीजों के लूज मोशन तो आपसे रुकते नहीं, तो आप उसकी विजय यात्रा कैसे रोकेंगे आप? There is a reason, सिद्धू साहब। क्या? आप जोर लगा के युद्ध तो रोक सकते हो, लेकिन लूज मोशन में अगर जोर लगाया तो बात फैल जाती है। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं हथियार क्यों चलाऊंगा, इतना अच्छा शो चल रहा है हफ्ते में दो दिन, तो क्यों हथियार चलाए हम? एक बात याद रखो कप्पू, जान चाहे चली जाए लेकिन दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखानी। बिल्कुल नहीं दिखानी, आपकी तो किसी ने देखनी भी नहीं, जेनिफर लोपेज छोड़ ना आप, कि आपकी पीठ देख के कोई खुश होगा। लगता है बहुत बड़ी सेना आ रही है। कप्पू तुम मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहाँ रहता हूँ, एक काम करो वहां लिख के लगा दो कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी जा रहा था, ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये लेके जाओ अपना। और देखो ये होता है योद्धा, पीठ दिखा के नहीं जा रहा। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी
admin.office@mitrajyoti.org. धन्यवाद. कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना? और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं, उफ़ो, स्टाइलस तो मैं घर भूल गई. ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं. पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्टिक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8000 की सब्सिडी के साथ. ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है. तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान. तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर, 8000 की सब्सिडी के साथ. डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए nupur@sakshaam.org या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर. लिमिटेड डिवाइसेज आर अवेलेबल. जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए.